अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम लर्निंग क्लाउड में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के उन्हें डिस्कस करेंगे। बायो के वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो के हैं बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए, हम चैप्टर वाइज जो है देखेंगे कि चैप्टर वाइज जो है कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी दफ़ा आए हैं, ताकि आप उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर के अच्छे से मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट 10 की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स है, बेड्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन का मैकेनिज्म है, हमारे पास साइंस है, सिम्टम्स हैं किस चीज़ के, ब्रोंकाइटिस के, नमोनिया के एंड गैसेस एक्सचेंज के। ये हमारे पास चैप्टर 10 के वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो कि क्या है काफ़ी दफ़ा रिपीट होते हैं। इनमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बच्चे अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 11 है, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं होम्योस्टेसिस आपने देखनी है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन के प्लांट्स में देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने होम्योस्टेसिस ह्यूमन बॉडी में भी देखनी है, फिर आपने स्ट्रक्चर देखना है न्यूफ्रॉन का विद डायग्राम, फिर आपने फंक्शंस ऑफ किडनी करने हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन आपने देखनी है किडनी के जरिए, एंड आपने डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। बच्चे, आपके पास जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है ये तो वो कन्फर्म क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके बाद यूनिट 12 कि अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क है विद डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है, व्हाट इज़ द थायराइड ग्लैंड है, इसके फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स है, फिर आपके पास स्ट्रक्चर है किस चीज़ का एंड फंक्शंस है ह्यूमन ब्रेन के, ज्वाइंट्स एंड देयर टाइप्स। इसमें अगर देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड और दूसरा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इन दो क्वेश्चन को तो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। यूनिट 13 की बात कर लूँ तो हमारे पास एंटागोनिज्म मसल्स आपने करने, बाइसेप और ट्राइसेप, उसके बाद आपने सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट करनी है आर्थराइड्स के। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कार्टिलेज एंड इट्स टाइप, फिर बॉन्जोफिशन आपने देखनी है एसेक्सुअल के जरिए बैक्टीरिया में, अमीबा में एंड प्लेनेरिया में। तो बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, और साथ टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आप देखेंगे तो ये जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुके हैं, तो आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट बच्चे, हमारा हम यूनिट 14 की बात कर लेते हैं। यूनिट 14 में हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोपागेशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस है, फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखना है मेल एंड फीमेल का रैबिट में। बच्चे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला बहुत अहम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वास्टर एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये बहुत अच्छी तरह से करना है, और कंडीशन फॉर नेसेसरी ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो बच्चे, जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है ये काफ़ी दफ़ा आप देखें तो मैनी टाइम्स जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है भी काफ़ी इजी, तो आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लें, और साथ ही वॉस्टन एंड क्रिक का जो मॉडल है विद डायग्राम जो है डीएनए का वो भी आपने अच्छी तरह से करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस वाला जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास काफ़ी दफ़ा आया है। फिर यूनिट 15 की बात कर लेते हैं। यूनिट 15 में बच्चे आपने मेंडलीव के जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अच्छी तरह से करना है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन को अच्छी तरह से करना, और कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम जो है और कौन से कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। यूनिट 6 की बात कर लूँ तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल और इसके साथ सिम्बायोसिस, यानी कि हमारे पास दो ही लॉन्ग है और आपने इन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। यूनिट 17 की बात करूँ तो बच्चे वहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अचीवमेंट्स हैं, और बेसिक स्टेप्स हैं मैनिपुलेशन ऑफ अ जीन्स। मैनिपुलेशन ऑफ अ जीन्स को आपने अच्छी तरह से करना है। यूनिट 18 के बच्चे बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स हैं, मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीनेशन है, और हमारे पास ड्रग्स के जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चे, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो मैंने पूरी बुक में जो है वो 20 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो बच्चे, अगर आपको मेरा जो है लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को